स्वागतम आप सभी का। हेलो एवरीवन। तो आज हम किताब पर बाइंडिंग करने सीखेंगे, वो भी 2-3 मिनट में। बाइंडिंग कैसे करते हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमें बाइंडिंग के लिए जिस सामान की आवश्यकता पड़ती है उसमें हम सबसे पहले एक सुई की, दो जो कवर हैं जो हमने जिल्द चढ़ानी है जिनकी, उनकी एक जो धागा होता है, जो धागा हमें जैसे वाइट धागा लगाना है या आपने कलर्ड धागा लगाना है उसकी, और एक सुई की ज़रूरत पड़ती है हमें। इसके साथ साथ हमें बाइंडिंग के लिए जो टेप है, जैसे सेलो टेप या मार्केट में जिल्द चढ़ाने के लिए टेप आती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और साथ में एक ये जो सुआ दिखाई दे रहा है, बर्फ़ वाला सुआ, और एक हमें हथौड़ा, जैसे मेरे हाथ में ये हथौड़े की तरह एक है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर कोई मोटी किताब हो तो हम 3 सुराख कर सकते हैं इसकी सहायता से, नहीं तो अगर कोई किताब कम मोटी है या कम चौड़ी है तो उसमें 2 सुराख की सहायता से भी काम चल सकता है। तो हम इस सुए के ऊपर हथौड़े से इसको किताब के अंदर ठोकेंगे तो ये अलग अलग 3 स्थान पर इसके छेद हो जाएंगे, सुराख हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 3 सुराख मैंने किए हैं, ये दूसरी तरफ भी किताब के जाने चाहिए। जैसे मेरे पास ये जो मैंने किताब में सुराख कर रखे हैं, तो ये देखिए सुआ दूसरी तरफ भी इसके आर पर जाना चाहिए, दोनों छेद में सुआ आर पर जाना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले इसमें से ये जो सुई है इसको निकाल कर देख सकते हैं सुराख में से, और फिर हम ये जो हमने कवर है, जो प्लास्टिक के कवर लिए हैं हमने दो, इनको इनके दोनों साइड किताब के रख कर इन जो ये जो सुराख हमने किए हैं इसमें से धागे को गुजारेंगे। तो देखिए पहले हम जो फर्स्ट साइड वाला सुराख है उसमें से हम धागे को गुजारेंगे। इससे पहले हमें इसको बराबर करके रख लेना है, पेजों को दोनों साइड से बराबर कर लेना है, मतलब जो नीचे वाली साइड है, जो एक्स्ट्रा पेज है वो ऊपर आगे वाली साइड में चला जाएगा, जिसको हम बाद में काट लेंगे। तो ये देखिए हम पहले सुराख में से सुई को निकाल कर धागे को, जो दूसरी साइड पे जो सुई है वो आ जाएगी। तो जब हमने इनको हथौड़े से सुराख करने हैं तो नीचे लकड़ी का एक, जैसे मैंने ये गुटका एक पीस रखा हुआ है ताकि हमारे फर्श पर सुराख ना हो, फर्श ना खराब हो। तो अब ये हमने रस्सी निकाल ली है, इसको हम यहाँ पर कस कर 2 गांठे लगा देंगे ताकि रस्सी खुले ना। तो ये हमारी बाइंडिंग की जो आधा कार्य है वो लगभग हो गया है। ऐसा ही एक जो सुराख हमने दूसरी साइड पे किया है उसमें से भी हम ऐसे ही रस्सी निकाल कर ये जो धागा हमने लिया है, मोटा धागा, इसको निकाल देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सही खुल रही है किताब। तो इसको हम अब काट देंगे धागे को, और ऐसे ही हम ये जो दूसरा सुराख है उसमें से भी धागे को, इस सुई को निकाल कर धागे से गांठ लगा देंगे। तो ये देखिए दूसरे सुराख में से भी, आपने दूसरी साइड पे निकालते समय अपने हाथ को थोड़ा उंगलों को साइड पे रखना है ताकि सुई इसमें हाथ पर आपके ना लग जाए। तो अब ये दूसरी साइड में धागा निकाल कर इस पर भी हम कस कर गांठ लगा देंगे। थोड़ी सी आप गांठ को लूज़ भी, मतलब धागे को थोड़ा लूज़ रख सकते हैं ताकि किताब आसानी से खुल जाए, पर गांठें कस कर लगानी है। तो ये जो है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों साइड पे जो धागे हैं लग चुके हैं इसके। तो इस तरह से हमने किताब की बाइंडिंग करनी है। अब हमारे पास जो कैंची की सहायता से ये जो हमारा एक्स्ट्रा पन्ना है, जो किताब की बाइंडिंग के बाहर ये जो प्लास्टिक है, इसको हम काट देंगे साइडों से, चारों साइडों, तीनों साइडों पर जो इसके एक्स्ट्रा प्लास्टिक का पन्ना है हमने उसको अब काट दिया है। तो ये काटने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी किताब। अब हम इसके ऊपर जो पीछे वाला जहाँ हमने धागे लगाए हैं वहाँ पर हम टेप लगा देंगे। ये जो है टेप है जो हमारी धागे के ऊपर, धागों को पूरा कवर करते हुए जानी चाहिए। इस तरह एक साइड पर हम टेप लगाकर इसको कैंची की सहायता से काट लेंगे, और ये जो टेप का दूसरी साइड है, जो जिस पर हमने दूसरी साइड पे इस टेप को घुमाकर नीचे से दूसरी साइड पर भी इसको हम चिपे देंगे। तो ये देखिए
ये मैंने इसको दूसरी साइड पे ले आया हूँ अब मैं, तो इसको अब मैं दूसरी साइड पे भी यहाँ पर प्रेस कर दूँगा अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई एयर बबल, हवा का जो बबल है वो ना रहे। तो मार्केट में अलग अलग साइज़ की 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच की टेपें हमें मिल जाती हैं। हमें अपने बुक्स की जो मोटाई है उसके हिसाब से मार्केट से टेप लेके आनी है, कौन सी टेप से हमारा दोनों साइड कवर हो जाए हमने इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये देखिए मैंने ये काट दिया है, ये जो पन्ने के ऊपर वाले तीखे सिरे हैं इनको हम गोल कर देंगे, ताकि बच्चे के उंगली पर, हाथ पर इसको खोलते समय ये ना लगे। कॉर्नर वाले जो नुकीले सिरे हैं दोनों साइड से हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरह ये जो हमारी बुक है बाइंडिंग की तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आप सभी से अंत में फिर रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जो घर पर बैठकर आसानी से बच्चे जिल्द चढ़ाना सीख जाएं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से रिक्वेस्ट, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।